हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईटीआई के स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ आईटीआई के स्टूडेंट हैं, उनकी स्कॉलरशिप आने लगी है। तो आप भी अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं कि आपकी आईटीआई की स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है। आप किसी भी राज्य से हों, अगर आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा तो आपकी स्कॉलरशिप ज़रूर आएगी। तो आप इसे कैसे चेक कर सकते हैं, हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आपको इसके अलावा कोई और भी समस्या आती है स्कॉलरशिप से संबंधित या आपकी आईटीआई की स्टडी से संबंधित, तो आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में आपको आईटीआई के ग्रुप के बारे में बताया गया है। तो आइए अब हम जानते हैं कैसे आपको आईटीआई के स्कॉलरशिप के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले आपको जाना होगा गूगल पर। इसके बाद आपको सर्च बार में लिखना है PFMS। PFMS लिखने के बाद आपको सर्च कर देना है। जो भी आपको सबसे पहले वेबसाइट दिखेगी, आप वहां पर क्लिक करेंगे, एक नया पेज खुलेगा। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नाउ योर पेमेंट। यहां पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको एक नया पेज प्राप्त होगा। यहां पे आपको अपने बैंक का नाम लिखना है। जिस भी बैंक का आपने खाता दिया होगा उस बैंक का आप नाम लिखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखना है। यहाँ पर दोबारा से आपको अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद इस कैप्चर को आप यहाँ पे फिल करेंगे और सर्च कर देंगे। इतना करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी आईटीआई की स्कॉलरशिप आई है या नहीं आई है। अगर आपकी स्कॉलरशिप आ चुकी है तो कितनी आपके अकाउंट में पहुँची है और किस तारीख को पहुँची है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर यहाँ पर आपको नहीं पता चलता है तो इसके अलावा एक और वेबसाइट है, वहाँ पे आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आप अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपनी स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर केवल आप अपने नाम से ही आपकी स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। बैंक अकाउंट की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको यहाँ पर सर्च करना है स्कॉलरशिप पोर्टल। सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपका पेज हो जाएगा जैसे आपको कंप्यूटर में मिलता है। अपने नाम के कम से कम 3 लेटर आप यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे मेरा नाम नीरज है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ NEERJ, नीरज। इसके बाद यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं SC से हूँ तो SC पर क्लिक करूँगा। इसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे। मैं दमोह से हूँ तो यहाँ पर दमोह पर क्लिक करूँगा। दमोह में जितने भी शासकीय या गैर शासकीय संस्थान हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आप अपने ITI का नाम चूज़ करेंगे। जैसे कि मेरे ITI का नाम है गवर्नमेंट ITI नोहटा। यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। इतना सब कुछ आपको भरने के बाद सर्च डिटेल पर क्लिक करना है। मध्य प्रदेश में जितने भी नीरज नाम के विद्यार्थी हैं जिन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 2 नाम दिख रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा है नीरज मेहरा, यही मेरा नाम है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एप्लीकेशन पर। एक नया पेज आपको खुलेगा। गवर्नमेंट के द्वारा आपको जितनी भी स्कॉलरशिप दी गई हैं पूरी लिस्ट आपको आ जाएगी। जैसे मैंने 2 बार ITI की हुई है और दोनों बार मुझे स्कॉलरशिप मिली थी। पहले मैंने जबलपुर से की थी, अब मैं दमोह से कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे चेक करना है ITI फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप। जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वहाँ पे हम आगे करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है पीले रंग में, यहाँ पे क्लिक करना होता है। पूरा पेज आपको आ जाएगा, पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी होगी। नीचे आप देख सकते हैं आपकी ITI की स्कॉलरशिप कब आई है, किस किस तारीख को क्या क्या हुआ है, पूरा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हमारी स्कॉलरशिप की बात करें तो 29/6/2020 को हमारे अकाउंट में स्कॉलरशिप आ चुकी थी। टोटल अमाउंट की बात करें तो हमारे अकाउंट में 5,410 रुपये स्कॉलरशिप के आए हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी स्कॉलरशिप चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है कैसे कैसे आपकी स्कॉलरशिप आई है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप वहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके
अपनी स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत